माँ, माँ आपने इमली को देखा क्या? नहीं बेटा, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, शायद कहीं चली गई है। बेचारी अपने एक्स हस्बैंड की शादी देख नहीं पाई। इमली इतनी कमजोर नहीं है दीदी, पर तो इतना ही बुद्धू है। दीदी प्लीज, आप शुरू मत हो जाना। शट। तूने अपने सारे इमोशन म्यूट पे रखे, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सबने भी अपनी फीलिंग से नाता तोड़ लिया है। और तुझे नहीं दिखा, पर मैंने देखा है इमली हर वक्त अपना दर्द छुपाती रहती थी। बेचारी कब तक छुपाती? सच में, इतनी सी बच्ची को माता रानी ने इतना दर्द कैसे दे दिया? लाख कोशिश कर ले छुपाने की, पर उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि इमली जो कुछ भी चाहे उसे मिल जाए, बस। कई बार जो इंसान चाहता है उसके लिए अच्छा नहीं होता ना। अगर आपको माता रानी से कुछ मांगना है तो इमली के लिए वो मांगिए जिसकी उसको जरूरत है। तो अपनी गोलमोल बातें अपने पास रख, मैं उसे कॉल करके देखती हूँ कहाँ है। हरु, इमली का फोन तेरे पास क्यों? तो ये है तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन की वजह। ये पूरा वेडिंग कवर नहीं हो जाता, तुम्हारा फोन मेरे पास रहेगा। वो एक्चुअली गलती से मेरे पास छोड़ गई। तो अब पता कैसे चलेगा वो कहाँ है? मैं जाके देखती हूँ उमली कहाँ है, और फोन भी उसे दे दूंगी। अरे सुन, अगर अपर्णा जी को बिना बताए चले गए तो उन्हें बुरा लगेगा, तो एक बार उनको बोल देते हैं। आप लोग अपर्णा जी के पास जाइए, इमली को मैं ढूंढता हूँ। तो पक्का ढूंढ लेगा, अगर वो रो रही हो तो ज्यादा टफ नहीं होना उसके साथ। चल चल। रफ तो होना पड़ेगा दीदी, मुझे भी और इमली को भी। मैंने तो सिर्फ आदित्य के मैसेज डिलीट किए हैं, लेकिन इमली वो सबके बिना भी इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगी, ना अपने काम पर और ना ही अपने एक्स शादी पर। अम्मी यहाँ पे, हम कहाँ देखो, हम कहीं यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। वो शादी नहीं होती, हम कहाँ जाते? अम्मी हम कहीं यहाँ से बाहर निकालो, बोलो हम कहीं यहाँ से बाहर निकाल दो। जंगली कहाँ चली गई? वैसे रो नहीं सकता, उनका कुछ चुप करे क्यों हुए? घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं दिख रही है, कहीं भी तो गई कहां? माय पुअर बेबी, मैं तो पहले ही जानती थी कि वो इंसान तुम्हारे काबिल बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉप क्राइंग बेटा, देखो पूरा काजल तुम्हारे फेस पर स्प्रेड हो रहा है। स्टॉप क्राइंग, कम ऑन, स्टॉप क्राइंग, डोंट क्राई। ये दाग तो हट जाएगा मम, लेकिन जो दाग मेरे रूह पे लग चुका है वो तो परमानेंट है। आदित्य के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, मेरी जॉब, मेरा वक्त, मेरे रातों की नींद, मेरी मेहनत, और इस सबसे बढ़कर मेरी उसूल। आदित्य को पाने के लिए मैंने अपने अंदर की अच्छाई को मार दिया था। मेरी अच्छाई की कुर्बानी वेस्ट नहीं जाएगी मॉम।
इमली का है मॉम। बेटा वो नौकरानी तो तुमने जैसा कहा था मैंने उसे बंद कर दिया है। एक ऐसी गाड़ी में जिसके दरवाजे ना अंदर से खुलेंगे और ना ही बाहर से। लेकिन बेटा तुम यहाँ वेट क्यों कर रही हो? यहाँ वेट करके क्या मिलेगा? एटलीस्ट चल के उसकी फैमिली को सुनाते हैं कि उनका सो कॉल्ड आदर्श बेटा कैसे औरतों को यूज करके साइड कर देता है। कम से कम उनकी बेइज्जती तो होनी चाहिए ना। मुझे किसी की बेइज्जती नहीं करवानी, मुझे बस अपनी शादी करनी है। तो मैं ये शादी किसी भी हालत में करके रहूंगी। लेकिन बेटा आदित्य ने तो साफ साफ मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेगा। आदित्य को सबसे अच्छी तरह से मैं जानती हूँ, उनकी सबसे अच्छी दोस्त मैं जानती हूँ। आदित्य को इंतजार करने से कितनी नफरत है। जब इमली आदित्य के पास जाएगी ही नहीं तो उन्हें और इंसल्टेड फील होगा। उसके बाद वो और इंतजार नहीं करेंगे और लौट कर मंडप में आएंगे। बेटा तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? यस आदित्य इमली से नहीं मिलेगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुमसे शादी करेगा? गारंटी इस बात की है कि चाहे जो हो जाए आदित्य अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी मुंह नहीं मोड़ पाते। इमली के बाद उनकी सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा बच्चा और मैं हूँ। आदित्य मंडप में जरूर आएंगे। गली के आगे के मंदिर पर आकर मिलो। इमली, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि तुम जरूर आओगे। अब हमें इनकी कोई जरूरत, लेकिन मुझे मेरी बेटी की जरूरत है, सो प्लीज बोलो। बेटा ये सब क्या हो रहा है? तू उन लोगों में से नहीं है जो जो बदला लेते हैं। तू तो हमेशा दूसरों के हक की लड़ाई लड़ती थी, इसीलिए तो आदित्य और तेरी जोड़ी मुझे बहुत पसंद थी। बोलो सर, याद कर, तूने पहली बार मुझसे कहा था कि मैं इमली को अपना लूं। बेटा जस्ट इग्नोर हिम। हाँ पापा, मैंने आपसे कहा था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि इमली को अपने हक दिलवाने की कीमत मुझे अपने हक गवा के चुकानी पड़ेगी। मुझे लगता था कि इमली भी इम्पोर्टेंट है, पर ये नहीं पता था कि आप सबके लिए इमली ही इम्पोर्टेंट है। इमली वो लड़की जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना, मेरा प्यार, मेरा पति, और उसके बाद ही आप। सुन मालू, तुझसे पहले आदित्य इमली का पति था। लेकिन ये बात मुझे पता तो नहीं थी ना। आपको पता थी? आपको पता थी माँ? किसी को पता नहीं थी ना, तो धोखा हुआ ना हमारे साथ। पापा अगर इमली के साथ बुरा हुआ है तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। अगर मैं गलत हूँ तो अपनी पहली शादी छुपाकर मुझसे शादी करने वाले आदित्य भी गलत है, और इस झूठ में उनका साथ देकर बाद में महान बनने वाली इमली भी गलत है, और सबसे गलत आप है पापा। आप सबसे ज्यादा गलत है, क्योंकि आप सिर्फ एक बेटी की बेचारगी देख सकते हैं, दूसरी बेटी के साथ और ही नाइंसाफी नहीं पापा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। इंसान गलत तो होते ही है, लेकिन उससे ज्यादा वक्त और हालात गलत होते हैं। मालूम तुझे ये मौका मिल रहा है गलत को सही करने का, प्लीज। तो आप क्या चाहते हैं पापा? आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? अपनी पूरी जिंदगी बिन ब्याही मां बन के रहूं? मेरे बच्चे को उसके पापा का नाम ना मिले? एक और इमली इस दुनिया में आए? नो पापा, नो वे।
अपने बच्चे के साथ ही मैं होने नहीं दूंगी। चाहे जो हो जाए, मेरा बच्चा नाजायज नहीं कहलाएगा। शादी का मुहूर्त आधे घंटे का है, मैं मंडप में जा रही हूँ। अगर आप आना चाहे तो आप आ सकती हैं। वर को बुलाइए। वो आ रहे हैं पंडित जी। लेकिन वो है कहाँ अभी? वो सब मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि आदित्य आ रहे हैं। बेटा, मैया के विश्राम का समय हो गया है, अब हम मंदिर के द्वार बंद करेंगे। काफी देर से यहाँ बैठे हो, सब लोग जा चुके, अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए। बस थोड़ी देर और पंडित जी, इमली आती ही होगी, और अगर वो आई और हम यहाँ पर नहीं रहे तो उसे वापस लौटना पड़ेगा। तो ऐसा है तो एक बार उससे फोन कर लो, यहाँ बैठे बैठे कब तक प्रतीक्षा करोगे? जी BS? यजमान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, वर कहाँ है, बुलाइए उन्हें। अगर आदि मुहूर्त खत्म होने के बाद आया तो वैसे ही ये शादी टल जाएगी। लगता है देवी माँ की भी यही इच्छा है। त्रिपाठी जी, मुहूर्त खत्म होने में 10 मिनट है पंडित जी, 10 मिनट में आदित्य आ जाएंगे। बाबू साहेब के खातिर जो हुआ वो अच्छा हुआ, हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। मैं इमली से प्यार करता हूँ, इमली मुझसे प्यार करती है। बॉस और इंटर्न का ये रिश्ता आज सबके सामने रूप बदला। बहुत ज्यादा अपन हाल पे नहीं रोइए, काहे कि हम आगे बढ़े के चाहते हैं।
अगर आप और रोएंगे चाहते हैं तो आप रोइए, लेकिन सबसे आके आप आंसू पोंछे कि ना उम्मीद नहीं रखें काहे कि वो हक आप खो चुके हैं, वो हक आप खो चुके हैं। दीदी हमेशा बाबू साहब को धोखा दिए, अभी बार बाबू साहब को धोखा नहीं खा दिए। मुहूर्त का समय निकल चुका, ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य अभी तक कैसे नहीं आए? शुक्र है भला टली, देख लिया ना। अब ये शादी नहीं होगी। अब मालू को फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी, एक नए सिरे से फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा अपने लिए। अनु आंटी, लगता है मालिनी में हिम्मत नहीं बची, आप ही से उठने में मदद कर दीजिए। मुहूर्त तो निकल गया मालिनी, अब कोई शादी नहीं होने वाली। ये तामझाम क्यों लगा के रखा है? लाइट्स वाइट्स बंद करवाते हैं ना भाई, कोई शादी थोड़े ना है यहाँ पे। शादी है, शादी है, शादी है। इस घर में शादी है, इस घर में शादी है, इस घर में शादी है। आजी आप क्या करते हैं? आजी शादी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आजी सुन, मैं तबियत गलती कर रहा, आजी मत कर ऐसा। आजी पंडित जी मंत्र पढ़िए। आती बेटा मुहूर्त निकल चुका है, ऐसा अपशगुन मत कराना, मत करा दी, रुक जा। अब अनर्थ हो या अपशगुन हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मालिनी से शादी कर रहे हैं। मुहूर्त हो या ना हो, जरूरत हो या ना हो, प्यार हो या ना हो, ये शादी होकर रहेगी। अति गलत कर रहे तू, मत कर। के लिए मंत्र पढ़िए पंडित जी। एक मिनट रुकिए पंडित जी। इमली, इमली, इमली। इमली, इमली। मिस्टर राठौर, मिस्टर राठौर, मिस्टर राठौर।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।